लक्ष्मण जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने मुख्यमंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को 16,000 से अधिक वोटों से परास्त किया है। लेकिन इसमें एक रोचक बात यह है कि एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, एक स्टोरी सामने आ रहा है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटे से अमाउंट में आप रोजगार करते थे। आप एक चासी परिवार से हैं, इसके ऊपर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? सबसे पहले आपकी चैनल को स्वागत। मैं जब पैदा हुआ 1975 मसिया में, मेरे को ऐसा था कि मेरे समय में मैं जब तक छोटा था 13 साल का उम्र में घर की समस्या ऐसे थे मेरे को कि 3 रुपया में मैं मजदूर करता था। उसी टाइम यहाँ कंट्रैक्टर लोग थे, ठेकेदार लोग थे, 13 साल का आदमी को कोई काम देने वाला नहीं था। वहाँ पर हम दोनों भाई मिल के एक मजदूर का काम जितना रहता है 8 घंटा 10 घंटा में उसी को हमको हम करके दोनों भाई दिखाते थे और 1 रुपया किसी को देते थे और 3-3 रुपया 6 रुपया में दोनों भाई हम मेहनत करते थे। उसी टाइम से मैं लारी में हेल्परी किया, खोलासी ड्राइवर बना, गाड़ी भी चलाया। उसी दिन से मेरे मन में था कि लोगों का भलाई करना, कभी किसी को झूठ नहीं बोला, लेकिन जो सच बोलता है, सच का मार्ग में चलता है, उसी को सब लोग संदेह करते हैं, उसी का पीछे डाउट रह जाता है। मेरा विश्वास था लोगों का ऊपर, मैं कभी भी कहीं रास्ता में कुछ पत्थर पड़ा हुआ रहता है तो कुछ फेंक के जाने वाला था, साइड करने वाला था। कहीं कोई आदमी का ऊपर कुछ प्रॉब्लम आया, किसी को कोई धमकी दे रहा है, किसी को कोई डरा के खा जा रहा है, मैं तुरंत उसी का सामने पड़ जाता था, उसी लोग का मदद करता था। चाहे मेरे को जान चले जाए, चाहे मेरे को कोई मार दे, चाहे कोई मेरे को पीट दे, मैं नहीं डरने वाला था। मैं हर टाइम लोगों का साथ देने में, मेरी जमीन है, खेती में काम करने वाला, बैल फिराने वाला आदमी, मैं खेती में काम करके स्कूल जा रहा था। उसी टाइम आज मैं पढ़ के प्लस टू तक गया और लोगों का साथ इतना मेहनत करके लोगों का पास नाम कमाया हूँ। मेरे पीछे आज मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे कंटाबाजी विधानसभा के परिवार एक भरोसा दिया कि 25 साल का मुख्यमंत्री जो था उसी आदमी को हराने के लिए बड़े बड़े बुजुर्ग राजनीतिक लोग चले गए उसी का सामने। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कंटाबाजी विधानसभा के सब वोटर्स सब लोग का मेरे ऊपर भरोसा दिया। नवीन पटनायक का 25 साल का मतलब दुर्नीति को हटा दिए, 25 साल के कलंकित था, माँ बहनों का इज्जत लूट रहे थे इन्हीं सरकार में, यहाँ लोगों को समस्या ही समस्या था, आज तक पीने का पानी नहीं दे पाया, आज तक खेतियों में पानी दे नहीं पाया, आज तक बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पाया, आज तक बिजली का समस्या बढ़ा दिया, आज तक पीने का पानी समस्या बढ़ा दिया। वैसे आदमी को भगाने के लिए मेरे पास और कोई इलाज नहीं था। मेरे कंटाबाजी विधानसभा वासियों सबको जब जानकारी हो गया कितना दिन उन लोग का चीटिंग में रहेंगे, सब लोग आज प्रूफ कर दिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। जितना दिन चलने वाला था झूठ बोल के भारत में, इंडिया में बार बार एवर्ट लेने चाहा और ले भी गया। मैं आज भी बोलता हूँ
उड़ीसा का मुख्यमंत्री 5 बार 4 बार जो इंडिया लेवल से अवार्ड ले गया था वो सब झूठा था, आज प्रूव कर दिया। अगर सच्चा होता तो हमको आज लोगों 16,344 वोटों में नहीं जीता के लाते। एक मुख्यमंत्री का सामने एक 3 रुपया वाला मजदूर इतना फाइट करेगा कोई भी सोच नहीं सकता। लेकिन मेरे भरोसा था, मैं सच का सामना कर रहा हूँ और अन्याय का विरोध कर रहा हूँ। मेरे ऊपर भरोसा था मैं जीत के आऊँगा और मेरे लोगों मेरे ऊपर भरोसा देके मेरे को जीता।